आज के हम अपनी इस वीडियो में गोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। गोल्ड जो कि एक सेफ हेवन है, इसकी डिमांड बढ़ती है जब भी इकोनॉमी में रिसेशन आता है, कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही होती है या फिर वॉर होती है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। और गोल्ड का प्राइस नीचे आ जाता है जब इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होती है या फिर लो इन्फ्लेशन होता है। अगर आप गोल्ड के प्राइस को नोट कर रहे होंगे तो आपने ये देखा होगा कि गोल्ड का प्राइस पिछले साल जून से लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम इंडियन करेंसी में बात करते हैं तो गोल्ड का प्राइस 32,000 हुआ करता था लास्ट ईयर जून में, जो कि रिसेंटली 46,000 तक चला गया है। अगर हम पिछले महीने फरवरी 2020 की बात करते हैं तो गोल्ड की डिमांड एकदम से बढ़ चुकी है। इसके कई सारे रीजंस हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला रीज़न जिससे गोल्ड की डिमांड एकदम से बढ़ गई है वो है कोरोना वायरस आउटब्रेक। जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना वायरस कितनी तेज़ी से पूरे विश्व में फैल गया है और जैसे जैसे इसके पेशेंट्स बढ़ते गए वैसे वैसे कंट्रीज़ ने लॉकडाउन शुरू कर दिया, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी में स्लोडाउन हो चुका है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है। इस वजह से फिज़िकल गोल्ड की डिमांड बढ़ी है जिससे कि गोल्ड का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। वायरस और ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से इन्वेस्टर्स और बैंकर्स में गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स परचेज करने की होड़ लग चुकी है। अगर आप देखेंगे कि गोल्ड लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल होता है, लेकिन जो कुछ माइंस है पेरू में और साउथ अफ्रीका में वो क्लोज हो गई है कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से। स्विस रिफाइनरीज जो है उन्होंने भी लास्ट वीक अपनी ऑपरेशंस को क्लोज कर दिया है। मोस्ट ऑफ द डीलर्स की इन्वेंट्रीज या तो सोल्ड आउट हो चुकी है या फिर उन्होंने कुछ टाइम के लिए अपना बिजनेस बंद कर दिया है। क्रेडिट स्विस की अगर हम बात करते हैं तो वो अपनी गोल्ड के बार्स 1856 से बना रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने भी अपना ये ऑपरेशंस को क्लोज कर दिया है। आपने जॉर्ज सोरोस का नाम तो सुना ही होगा, जो 50 ईयर्स से ज़्यादा इन सब चीज़ों में ट्रेडिंग कर रहे हैं। उन्होंने भी अभी रिसेंटली कहा है, व्हेन पीपल थिंक दे कांट गेट समथिंग दे वॉन्ट इट इवन मोर। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड की डिमांड किस तरह से बढ़ चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे, US मिंट जो कि US का लार्जेस्ट होलसेलर है, दो हफ्ते पहले उनके सभी अमेरिकन ईगल कॉइन्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। एक और ये कंपनी है जिसके मोस्टली सभी कॉइन्स सोल्ड आउट हो चुके हैं या फिर प्री सेल में लिस्टेड है। प्री सेल मतलब होता है कि उनका ऑर्डर दिया जा चुका है और वो शिपमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी एक्चुअल में उनके पास इन्वेंट्री में वो गोल्ड अवेलेबल नहीं है। और मोस्ट ऑफ द कॉइन्स के नीचे आप अलर्ट मी का ऑप्शन देख रहे हैं, दैट मीन्स वो सभी सोल्ड आउट हो चुके हैं। इन सब इवेंट्स को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि अभी अगर आने वाले दिनों में कोरोना आउटब्रेक जो इतना फैल चुका है अगर वो कम नहीं हुआ और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं ख़त्म हुआ तो गोल्ड की डिमांड आने वाले टाइम में और बढ़ सकती है। अगर आप भी सेफ होकर चलना चाहते हैं तो कुछ कॉइन्स या बार्स आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी परचेस करना चाह रहे हैं तो बेटर होगा आप कॉइन्स एंड बार्स में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ज्वेलरीज में आपको एक्स्ट्रा मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन गोल्ड कॉइन्स और बार्स में सिर्फ आपको 3% GST देना पड़ता है इंडिया में। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी और जानने को मिली होगी। अगर आप इसी तरह और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।